रहमान रहीम, नाजरीन इस वीडियो के क्लिप पर बताना चाहता हूं कि गन्ने को इस वक्त कौन सी खाद डाली जाए जिससे गन्ने का बहुत ज़्यादा वजन लिया जाए और गन्ने का इस साल जो रेट है वो क्या होना है। अक्सर दोस्त सोचते हैं कि इसका गन्ने का रेट क्या होना है तो उस पर बात करते हैं। तो आपको पता है जो गन्ने का रेट है ये पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह जब चिकंदर लगवाया गया तो चिकंदर का रेट जो है मिल वाले बताते हैं कि चिकंदर का आप लगाएं चाहे ना लगाएं ये रेट मिलेगा। यानी कि पिछले साल 300 रुपये रेट चिकंदर का था तो 300 कई रुपए, तो इस साल पिछले साल जो गन्ने का रेट निकला था वो भी 300 कई रुपए था। यानी कि चिकंदर का इस साल जो रेट है, यानी कि जो मिल बताएगी चिकंदर का रेट बताया हमें वही जो गन्ने का रेट निकलेगा, क्योंकि गन्ने का और चिकंदर का तकरीबन ही रेट जो है वो बराबर होता है, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तो मिल ने इस बार जो चिकंदर लगवाने के लिए रेट बताया है वो है 420 रुपए, यानी कि 420 या 30 रुपए रेट है। तो गन्ने का जो रेट है इस साल इंशाल्लाह आप मेहनत ना छोड़ें 450 तकर होना है, तकरीबन 450 तकर रेट गन्ने का होना है, क्योंकि गन्ने की जो फसल है अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा काश्त हो तो फिर इसका थोड़ा रेट कम होता है, अगर ये थोड़े रकबे पर काश्त हो तो इसका रेट हिसाब से ज़्यादा होना है। तो आप चीनी का हाल देखें, आप एक चीनी जो है आपके सामने 170 रुपये किलो है, तो इतनी महंगी चीनी हो चुकी है, आपको पता है ये गन्ने की चीनी बनती है, तो साफ ज़ाहिर रेट भी गन्ने का इस साल अच्छा होना है। तो आप इस वक्त गन्ने में जो खाद है वो नाइट्रेट ग्वारा खाद फ्लड करें, और जब आपका गन्ना फुल यानी कि पत्ते इसके इस तरह गहरे काले कलर में हो जाए, जब आप इसको खाद फ्लड करेंगे उसके बाद आप फौरन बुरान और सल्फ़र ये मिक्स करके आप फ्लड करें, जिससे आपके गन्ने की बहुत ज़्यादा औसत आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, जज़ाकअल्लाह।